22 जनवरी 2024 अयोध्या धाम में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा, 23 जून से 5 जुलाई कलयुग का अंतिम 13 दिनों का पक्ष एवं 2024 में मीन शनि का योग। एक तरफ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा, दूसरी तरफ अंतिम अवतार कल्कि राम जी का संहार लीला। ये संयोग नहीं बल्कि भविष्य मालिका में वर्णित एक पूर्व निर्धारित लीला का प्रमाण है और आप सब उन भाग्यशाली भक्तों में हैं जो भगवान के इस अद्भुत दिव्य लीला को स्वयं अपने नेत्रों से देखोगे। जय और पराजय का विचार छोड़ के कर्तव्य पर ध्यान दो, डर अपने आप दूर हो जाएगा। फेक सोशल मीडिया अकाउंट से सावधान रहे। मेरे सभी ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट्स का लिंक पिंड कमेंट, वीडियो के डिस्क्रिप्शन एवं बायो में मिल जाएंगे। भारत पृथ्वी पर उपस्थित एकमात्र ऐसा भूमि है जिस भूमि पर प्रत्येक युग में देवी देवता, यहाँ तक कि स्वयं भगवान भी मनुष्य रूप में आकर अपना लीला करते हैं। भारत एक ऐसा देश जहाँ के कण कण में लाखों करोड़ों वर्षों का इतिहास छुपा हुआ है। भारत एक ऐसा देश जहाँ के कोने कोने में दिव्य ऋषि मुनि साधु संत तथा महापुरुषों का जय जयकार गूंजता ही रहता है। चाहे संसार का पहला मनुष्य हो या पृथ्वी का पहला मनुष्य सभ्यता, चाहे धरती का पहला नदी हो या फिर दुनिया का पहला संविधान, सृष्टि का आरंभ भारत से ही होता है एवं सृष्टि का अंत भी भारत में ही होता है। परंतु प्रश्न है कि इस सृष्टि का रचना आखिर किया किसने? इस प्रश्न के उत्तर में अधिकांश लोग ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जी का नाम लेंगे, परंतु ये तीनों आविर्भाव किससे हुए हैं उसका जानकारी बहुत कम लोगों के पास है। इस सृष्टि का मूल तत्व है परम ब्रह्म अर्थ द सुप्रीम सोल ऑफ द यूनिवर्स, जिनसे भगवान देवी देवता मानव असुर पेड़ पौधे जानवर सबके सब आए हैं। सत्य के बाद त्रेत्या, त्रेत्या के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कली और ये लूप चलता रहता है जिसको काल चक्र कहा जाता है। आज हम उसी काल चक्र के मध्य भाग में पहुंच चुके हैं, इसीलिए ये कलयुग सामान्य नहीं बल्कि महाकलयुग है और इसी कारण सृष्टि के इतिहास में पहली बार वर्तमान के महाकलयुग में वही परम ब्रह्म अपने असली रूप में प्रकट होकर अपने भक्तों के बीच आए हैं, जिनको समस्त संसार जगन्नाथ के नाम से जानता है। जगन्नाथ नाम का अर्थ जगत के नाथ यानी इस ब्रह्मांड का मूल तत्व। जब आप पूरी धाम जाएंगे, महाप्रभु जगन्नाथ जी के सामने खड़े होकर उनके बड़े बड़े नेत्रों को अपने नेत्रों से देखोगे, तब पूरे शरीर में एक अजीब सा कंपन अनुभव होगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि मनुष्य शरीर के अंदर स्थित ब्रह्म अर्थ आत्मा, सृष्टि के आत्मा अर्थ परम ब्रह्म से कनेक्ट हो जाता है। परंतु क्या होगा यदि मैं आपसे कहूँ कि आज महाप्रभु जगन्नाथ अपने धाम से गायब हो चुके हैं? 600 वर्ष पूर्व भविष्य मालिका के माध्यम से संत गुरु अच्युतानंद जी ने कहा था कि जगन्नाथ महाप्रभु उभयण जीवे नाम को खाली मात्र धामरे बसी थिबे, कोड़िए अंके एहा देखिबु रे राम कलंकी रूपे प्रकाशिबे सही परम ब्रह्म। अर्थ जगन्नाथ महाप्रभु गायब हो जाएंगे, नाम मात्र के लिए उनके धाम में बैठे हुए मिलेंगे। 20 अंक में देखना है शिष्य राम कल्कि के रूप में प्रकाशित होंगे स्वयं परम ब्रह्म। इस भविष्यवाणी के अनुसार 20 अंक में महाप्रभु जगन्नाथ जी का लीला समाप्त हो जाएगा एवं कल्कि राम जी का लीला आरंभ हो जाएगा। 20 अंक यानी अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार अप्रैल 2020 से अप्रैल 2021 अयोध्या धाम में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के मंदिर का नींव 5 अगस्त 2020 को रखा गया था। जगन्नाथ मंदिर में बारंबार रक्त का गिरना, मंदिर के अंदर रहस्यमय तरीके से लोगों का मृत्यु हो जाना, मंदिर का खंड खंड होकर टूटना, रत्न भंडार से रत्नों का चोरी होना, सरकार के द्वारा मंदिर के विरुद्ध षड्यंत्र करना, सेवकों के द्वारा मंदिर के नीति नियमों को तोड़ा जाना, महाप्रभु जी को भूखा रखना, महाप्रसाद का अपमान करना, ये सब प्रमाणित करते हैं कि आज महाप्रभु जगन्नाथ अपना धाम त्याग चुके हैं। केवल इतना ही नहीं, 23 रे हेब खेल चमकिब भूमंडल कलंकी राम आरंभिबे महासंहार, जल स्थल आकाश गिरी कंपीण जे जीव लीला देखी देवगण होइबे आनंद। अर्थ 23 अंक में लीला होगा, कांप उठेगा पृथ्वी, कल्कि राम आरंभ करेंगे महासंहार का नीति, जल स्थल आकाश गिरी कांप उठेंगे, लीला देखकर देवतागण आनंदित हो जाएंगे। इस भविष्यवाणी के अनुसार 23 अंक में कल्कि राम जी का संहार लीला अपने अंतिम चरण में पहुंच जाएगा, जिसके कारण असंख्य म्लेच्छ पापी कीड़े मकोड़ों की तरह मरेंगे एवं इस लीला को देखकर देवतागण आनंदित हो जाएंगे।
23 अंक अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार अप्रैल 2023 से अप्रैल 2024 अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का मंदिर 22 जनवरी 2024 के दिन 500 वर्षों के संघर्ष के पश्चात पुनर्वार स्थापित होने वाला है, कुछ समझे। और इसी 21 अंक में पृथ्वी पर भयंकर से अति भयंकर प्राकृतिक आपदाएं भी हो चुके हैं, जिनमें लाखों लोगों का मृत्यु हो चुका है। इसी 23 अंक में मल्टीपल फ्रंट्स पर युद्ध भी चल रहे हैं, जिनमें प्रतिदिन हजारों की संख्या में मनुष्य मारे जा रहे हैं। इसी 23 अंक में अत्यंत खतरनाक दुर्घटनाएं भी हुए हैं, जिनमें असंख्य लोगों ने अपना प्राण गंवा दिया है। तथ्य एवं प्रमाण आपके सामने है मेरे मित्र, सत्य असत्य का विचार अब स्वयं करना। यह मुहूर्त प्रत्येक सच्चे भक्त के लिए जितना आनंददायक है, पापी मलेच्छों के लिए उतना भयंकर भी, क्योंकि जो चोरी करता है उसी को पुलिस का डर रहता है, जो चोरी नहीं करता वो बड़े आराम से सोता रहता है। और इसी समय पर 13 दिनों का पक्ष एवं मीन राशि में शनि आग में प्योर देसी घी डालने का कार्य करेंगे। आप मेरे द्वारा प्रकाशित तथ्यों से असहमत हो सकते हैं, मेरा विरोध भी कर सकते हैं, मुझे गाली भी दे सकते हैं, परंतु भगवान के पूर्व निर्धारित संहार लीला से बच नहीं सकते। मैंने बार बार लगातार चिल्ला चिल्ला के सबसे कहा कि कुछ ही दिन बचे हैं, सत्य के मार्ग पर आ जाओ, स्वयं को पहचानो, अपने धर्म का पालन करो। जिन्होंने इसे माना आज वह हरि के लीला को देखकर आनंद भाव से झूम रहे हैं, और जिन्होंने नहीं माना कली के जाल में फंसकर छटपटा रहे हैं। जैसे ही अयोध्या धाम में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा शेष होगा, वैसे ही कल की राम जी का संहार लीला अपने चरम सीमा पर पहुंच जाएगा। कहीं पर रोग के रूप में संहार होगा, कहीं पर जल प्रलय के रूप में विनाश होगा, कहीं पर युद्ध के कारण अनेकों देश शमशान बन जाएंगे, कहीं पर भूकंप के कारण पृथ्वी थर थर कांप उठेगा। ये सब पहले भी होते थे, परंतु 24 अंक में जिस स्तर पर जितने संख्या में होंगे उसका कल्पना किसी ने नहीं किया होगा। यदि विज्ञान के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 24 अंक में सोलर साइकिल 25 मैक्सिमम पर पहुंच जाएगा, यानी पृथ्वी पर इतिहास के सबसे विनाशकारी सोलर फ्लेयर्स एवं कोरोनल मास इजेक्शंस टकराएंगे, जिनके कारण भारी तबाही मचेगा। 24 अंक में सुपर एलनिनो भी आरंभ हो जाएगा, जिसके कारण अत्यधिक एवं पहले से भी खतरनाक प्राकृतिक आपदाएं होंगे एवं अनेकों अंचल बर्बाद हो जाएंगे। परंतु इन सब से तुम भयभीत न होना मेरे मित्र, सत्य के मार्ग पर डटे रहना, शुभ फल अवश्य प्राप्त होगा। क्या आप बता सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया ने कौन से देश पर 200 आर्टिलरी सेल्स फायर किए हैं? जल्दी से उत्तर कमेंट कर दीजिए, क्योंकि सही उत्तर देने वालों में से एक का नाम मैं कल के अध्याय में प्रकाशित करूंगा। पिछले अध्याय में मैंने पूछा था कि चैतन्य महाप्रभु जी ने भारत के किस स्थान पर अपना देह त्याग किया था। सही उत्तर है पूरी धाम। विजेता का नाम है शुभदीप आयटियन। हमारे परिवार से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी इस परिवार का हिस्सा बने, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि सच हर घर तक पहुंच पाए। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय हिंद।